મહેસાણા ખાતે આવેલ વરેલી ગામની એક ઘટના સામે આવી છે. વરેલી ગામ ખાતે ગાંજાનો ધંધો કરતા એક ઈસમ મહિલા ઉપર સળિયા વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો. મહિલાને માથાના ભાગે ઈજા પહોંચતા મહિલાને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકા ખાતે આવેલી વરેલી ગામે શાંતિનગર ખાતે એક મહિલા પાનનો ગલ્લો ચલાવી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. છેલ્લા એક મહિનાથી એક જ પરિવાર વિસ્તારમાં ગાંજાનો વેપાર કરતો ધર્મે ધીરેન્દ્રસિંહ મહિલાને હેરાન કરતો આવ્યો છે. ધીરેન્દ્રસિંહ નશામાં દૂધ લઈને મહિલા પાસે આવી સિગરેટની માંગણી કરી હતી અને અગમ્ય કારણસર મહિલાએ અભદ્ર શબ્દો બોલીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા લાગ્યો હતો. એ અરસામાં મહિલાને તેને શાંત રહેવા જણાવ્યું હતું, પરંતુ વધારે ઉશ્કેરાઈને મહિલાને માથામાં ભાગે સળિયા વડે હુમલો કર્યો હતો. સળિયા વડે હુમલો કરતા જ મહિલાને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. એટલું જ નહીં, ફરીથી ધીરેન્દ્રસિંહે મહિલાને લાકડી વડે માર માર્યો હતો. આ ઘટના બનતાની સાથે લોકટોળું એકઠું થઈ ગયું હતું, જેથી ધીરેન્દ્રસિંહ ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો હતો. મહિલાને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેને તાત્કાલિક સારવાર હેઠળ નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. આ બનાવ અંગે તાલુકા પોલીસે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. રાજ ये सर हमको एक महीने से परेशान करता है. मेरा गेट है ना, वो भी पूरा आधा तोड़ दिया है लात मार. कौन परेशान करता है? ये धीरेंद्र सिंह. क्यों परेशान करता है सर? ये मेरे को बोलता है कि तेरे को काट के फेंक दूंगा, तुम दोनों भाई को काट के फेंक दूंगा उधर, ऐसा बोलता है हमको. परेशान क्यों करता है और अभी आज किस पर उसने हमला किया है? आज मेरी मम्मी पे हमला किया है और मेरे को बोलता है तेरे को भी काट के फेंक दूंगा. पुलिस फरियाद हुई है? नहीं हुई है. हम पांडे. क्या रहते हो? मैं बरेली रहती हूँ, शांतिनगर. क्या हादसा हुआ था सर? हादसा ऐसे हुआ कि धीरेंद्र शिवानी एक पान वाली है, पान के लारी चलाती है बेचारी. उसका तो आगे पीछे कोई है नहीं, उसके पास सिगरेट के लिए गया और उससे सिगरेट मांगा तो बोली कि ठीक है मैं देती हूँ एक मिनट. तब तक वो गाली देने लगा, इतना लेट कर रही है, मतलब बहुत गंदा गंदा. मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है. गाली दे रहा था और बोला मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तू बाहर निकल, बाहर निकल. वो बेचारी बाहर निकल के जैसे आई बोली कि तू मुझे मारेगा, बोली हाँ मैं तेरा मर्डर कर दूंगा. बाहर निकल के जैसे आई वैसे वो सरिया से उसके सर पे मारा, सरिया से मारा, वो बेहोश हो गई. बेहोश होने के बाद भी डंडा चला रहा था, लाके सरिया वहाँ पे गिर गया और डंडा चला रहा था. और डंडा चलाते हुए हम लोग देखे हैं और वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक भी देखी है. वो गिरी पड़ी थी, उसका सर फट गया था, पूरा ब्लड ब्लड हो गया था वहाँ पर और उसको वो मारे जा रहा था. जब हम लोगों को देखा उतरते हुए गाड़ी से तब वो वहाँ पर सरिया फेंक के भागा. कौन आदमी था? धीरेन्द्र सिंह गांजा वाला. और क्यों ऐसा किया? वो उसके घर पे 2 बजे 2:30 बजे नाइट में पहुंचता है उसके पास, उसको दरवाजा खटखटाता है, वो मेरे पास कॉल करती है. एक महीने से परेशान करके रखा है उस लेडीज को. मेरे पास बार बार कॉल करती है कि आप महिला सुरक्षा से हो, मैम आप आओ ना, मेरा हेल्प करो, मुझे परेशान कर रहा है गांजा वाला. तो मैं उसको बोलती हूँ दरवाजा मत खोलना, तेरा दरवाजा नहीं तोड़ेगा. बेचारी दरवाजा वो नहीं खोलती थी, दरवाजे पे वो 2 घंटा तक लात मारता था शांति पैलेस का. ये आदमी कौन है और क्या काम करता है? वो आदमी शांति पैलेस में रहता है, प्रवीण भाई के बिल्डिंग में. प्रवीण भाई का रूम है नीचे फर्स्ट फ्लोर पे और वो गांजा बेचता है, खुलेआम गांजा बेचता है, होलसेल व्यापारी है.